दोस्तों, स्वागत है आपका अन्नपूर्णेश्वरी पाकशाला में। तो दोस्तों, गणेश फेस्टिवल के लिए मैंने बनाया है रागी का बर्फी। बहुत ही ट्रेडिशनल भी है, साथ में बहुत ही टेस्टी भी होता है ये। तो हेल्थ के लिए रागी कितना फायदेमंद है अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता सच चलेगा। तो इसे बनाना बहुत ही ईजी भी है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने रागी का आटा लिया है 500 ग्राम। दोस्तों आप इसे बिग बाजार, सुपर मार्केट, डी मार्ट कहाँ पर भी आप इसे ले सकते हैं, कहाँ पर भी ये मिल सकता है। और शुगर लिया है 500 ग्राम और 7 इलायची लिया है और 200 ग्राम मैंने मिल्क पाउडर लिया है। तो दोस्तों आपको डेयरी वाइटनर नहीं लेना है, मिल्क पाउडर ही लेना है। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई पर घी डाला है, घी है 100 ग्राम। तो इस आटे को, मतलब रागी का जो आटा है, इसे हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है, यानी भून लेना है अच्छे से इसे। तो इसे बिल्कुल धीमी आंच पर हमें इसे भूनना है। दोस्तों इसे कम से कम भूनने के लिए 7 से 8 मिनट लगेंगे। तो जितना अच्छा आप भूनेंगे उतना ही इसका फ्लेवर भी आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए लगभग ये भूनकर तैयार हुआ है दोस्तों। तो इसे उतार देते हैं, उसी प्लेट में मैं इसे डालूंगी और इसे उतार कर इसी बर्तन में मैं चाशनी बनाऊंगी इसके लिए। तो दोस्तों आप ज़रूर बनाइएगा, रागी का बर्फी बहुत ही यम्मी बनता है। तो उसे निकाल दिया, अभी शुगर डाला है मैंने। तो शुगर 500 ग्राम है दोस्तों, तो मतलब 500 ग्राम मैंने रागी का आटा लिया है, 500 ग्राम शुगर लिया है, क्योंकि ज़्यादा मीठा ना हो जाए इसीलिए मैंने इतना लिया है। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा शुगर डाल सकते हैं, मतलब 700 ग्राम से भी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और देखिए मैंने इस पे पानी डाला है तो चाशनी उबलने भी लगी है। तो हमें इसके लिए 1 तार की चाशनी चाहिए दोस्तों। तो इसे अच्छे से हमें उबलने देना है और 1 तार की चाशनी बनाना है। तो इसे हम उबलने देते हैं अच्छे से। तो मैं आपको दिखाती हूँ 1 तार की चाशनी मतलब किस तरह से होती है। तो देखिए दोस्तों, आप गौर से देखिए, इस कड़ची पर जो बूंद निकल रही है ना, वो बूंद टूटनी चाहिए। देखिए टूट रही है बूंद, मतलब धागे की तरह, एक तार की तरह गिरना चाहिए वो, तभी बर्फी बनेगी। तो देखिए 1 तार की चाशनी बन रही है। तो अभी ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है हमारी चाशनी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर बना रही हूँ रागी का बर्फी। तो आप इसे, जो अभी मैं इसमें डालूंगी मिल्क पाउडर, तो आप इसे मिल्क पाउडर डालकर भी ऐसे ही बर्फी बना सकते हैं मिल्क पाउडर से। तो अगर आप सिर्फ मिल्क पाउडर बनाकर डालेंगे, बनाएंगे बर्फी, तो आपको इस चाशनी को और भी गाढ़ी करनी है, क्योंकि मिल्क पाउडर बहुत ही सॉफ्ट होता है दोस्तों और वो बर्फी नहीं जमेगी। तो इसीलिए आपको कड़क चाशनी बनाएंगे आप तो मिल्क पाउडर से भी अच्छे से खोए की तरह ही बर्फी बनेगी, बहुत ही टेस्टी। तो ये देखिए, ये मिल्क पाउडर मैंने डाला है और बिल्कुल देखिए बिल्कुल क्रीम जैसी इसका टेक्सचर आया है। तो इसके अंदर अभी मैंने डाल दिया रागी का आटा और ये है इलायची का पाउडर, जो मैंने इलायची दिखाई था उसे कूट कर मैंने डाला है। तो इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ज़्यादा भी नहीं पकाना है इसको, आटा डालते ही कम से कम 1 मिनट तक हमें पकाना है और उसके बाद हम इसे निकल कर एक प्लेट में शिफ्ट कर देंगे। तो देखिए ये कढ़ाई छोड़ने लगी है, तो आटा डालते ही आप 1 मिनट पकाइए बस। तो देखिए अभी मैंने इस पे प्लेट में शिफ्ट कर रही हूँ। तो मैंने प्लेट पर दोस्तों ऑयल लगाया है, उसके ऊपर ही मैंने बर्फी को जमाया है। तो अभी बर्फी को जमने देंगे, आधा घंटा छोड़ देंगे हम इसे। ऑयल मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि बर्फी अच्छे से निकलेगी, मतलब ज़्यादा कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको। अगर आप नीचे ऑयल लगाएंगे ना तो एकदम से परफेक्ट बर्फी निकल कर आएगी ऊपर। तो ये जम चुकी है, अभी मैं इसे कट कर रही हूँ। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट बर्फी बनकर तैयार है। रागी का बर्फी बहुत ही
बहुत ही टेस्टी होता है दोस्तों, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको अगर आप ट्राई करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि रागी का बर्फी किस तरह का होता है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।